बीते दिन दशहरा मैदान रिसाली में आयोजित प्रदेश स्तरीय लोक कला नृत्य समारोह आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उनके साथ मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की है। इसके बाद पद्मश्री राधेश्याम बारले को सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली में पंथी नृत्य के कलाकार डॉक्टर राधेश्याम बारले को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया। भिलाई में सेक्टर 9 में फ्लड लाइट युक्त फुटबॉल स्टेडियम का लोकार्पण सीएम भूपेश बघेल ने किया। लोकार्पण के मौके पर जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे तो उन्होंने अपने शानदार फुटवर्क से लोगों का दिल जीत लिया। मुख्यमंत्री का फुटवर्क का मोशन ऐसा था जिसमें वो मचे हुए खिलाड़ी लग रहे हैं। वहीं इस मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने खिलाड़ियों से भी मुलाकात की है। उस दौरान सीएम ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि बीते 3 सालों से अनेक खेल स्टेडियम का लोकार्पण किया गया है। त्योहारी सीजन के साथ ही शादियों के सीजन को ध्यान में रखते हुए शहर की सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने को लेकर कोरबा की पुलिस ने इन दिनों काफी मेहनत कर रही है। रात के समय पैदल पेट्रोलिंग कर आम जनता के साथ व्यापारियों को जरूर दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बीती रात CSP के नेतृत्व में कोतवाली पुलिस की टीम ने पावर हाउस रोड पर पैदल मार्च किया है। कारोबारियों को CCTV कैमरे पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। कोरबा में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। CCTV कैमरों की जरूरत को समझाया गया है और पैदल मार्च कर लोगों को जागरूक करने की कोशिश की गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर व्यापारियों से पुलिस प्रशासन मिला, उन्हें समझाने की कोशिश की गई और आपराधिक वारदातों को रोकने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। कोरबा में सेल की कुसमुंडा कोल परियोजना में नए CGM की पदस्थापना के साथ ही भू स्थापित करने की मांगों को लेकर एक बार फिर से लामबंद होने लगे हैं। प्रबंधन की परेशानियां थमने का नाम नहीं ले रही। रोजगार दिए जाने की मांग को लेकर भू विस्थापितों का प्रदर्शन जारी है। शुक्रवार की सुबह 5 बजे 5 गांव के ग्रामीण खदान में घुसे और हड़ताल करने लगे। आपको बता दें कि भू विस्थापित हर साल रोजगार दिए जाने की मांग कर रहे हैं और मांग पूरी नहीं होने तक आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। तो कोरबा से खबर आपको दिखा रहा है, भू विस्थापित लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, रोजगार देने की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। मांग पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी गई है। 5 गांव के भू स्थापित लोग एक जगह इकट्ठा हुए हैं और उसके बाद इस तरह का प्रदर्शन किया गया। प्रदेश के चर्चित निलंबित IPS GP सिंह ने अपने ऊपर लगे FIR खारिज करके दोबारा याचिका लगाई है। याचिका पर 16 नवंबर को सुनवाई होगी। आपको बता दें कि GP सिंह के खिलाफ भिलाई के एक व्यापारी ने अपराध दर्ज कराया था, जिसमें कहा था कि साल 2016 में GP सिंह ने उसे झूठे केस में फंसाने का डर दिखाकर 20 लाख की उगाही की थी। इस FIR की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग को लेकर GP सिंह दोबारा हाईकोर्ट की शरण में आए हैं। इससे पहले ही उनके ऊपर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने और राष्ट्रद्रोह का केस रायपुर पुलिस ने दर्ज किया है। GP सिंह ने इस मामले को भी लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में और राष्ट्रद्रोह के मामले में उन्हें हाईकोर्ट से राहत मिली थी। जांजगीर के भिलाई गांव में खैत खंबा हटाने के मामले में सरपंच और कोटवार के खिलाफ कार्रवाई का विरोध किया गया है। आपको बता दें कि यादव समाज के प्रदेश अध्यक्ष लीलाधर और प्रतिनिधि मंडल SP कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने SP से तहसीलदार और थाना प्रभारी के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है।
साथ ही कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन देने की चेतावनी दी। और कांकेर के कोयलीबेड़ा में नक्सलियों ने जन अदालत लगाकर अपने ही साथी दिनेश नरेटी की हत्या कर दी है। आपको बता दें कि मृतक दिनेश नरेटी पर कई प्रकार के मुकदमे दर्ज हैं। हालांकि अभी भी पुलिस प्रशासन इस पूरी घटना की पुष्टि करने में जुटी हुई है। और गरियाबंद में धान खरीदी शुरू होने से पहले ही पड़ोसी राज्य ओडिशा से धान छत्तीसगढ़ पहुंच रहा है। इस पूरे खेल में देवभोग और अमली पदर अंचल के बिचौलिए सक्रिय हो गए हैं। दिसंबर से प्रदेश में समर्थन मूल्य से धान की खरीदी होने वाली है। इससे पहले ही धान का खेल शुरू हो गया। आपको बता दें कि लाइसेंसी कारोबारियों को धान का प्रति क्विंटल 150 से, वहीं बिचौलियों को प्रति क्विंटल 800 का मुनाफा है। वहीं इस पूरे मामले पर देवभोग SDM ने बताया है कि बिचौलियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और सतर्कता बरती जा रही है। क्षत्रिय कल्चुरी समाज के लोगों ने भगवान सहस्त्र बाहु अर्जुन की जयंती कांकेर में बड़े धूमधाम से मनाई। जिले के भोथा, उमरादहा, सरोना, हराडूहा, माकड़ी, खजरावन में धूमधाम से सहस्त्र बाहुबली जयंती मनाई गई है। चारामा ब्लॉक के भोथा के सशस्त्र बाहु मंदिर में शाम को शोभा यात्रा निकाली गई और इस कार्यक्रम में विधानसभा उपाध्यक्ष मनोज मंडावी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। सर्व समाज सामुदायिक भवन के लिए 5 लाख की घोषणा की गई। और सूरजपुर में रिश्तों को शमशार करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक चाचा चाची ने अपने मासूम भतीजे की हत्या कर उसकी लाश झाड़ियों में फेंक दी। दरअसल पूरा मामला जमीनी विवाद को लेकर है, जिसके चलते फसल लगाने से जुड़ा है। थाना प्रेमनगर क्षेत्र के अन्नपूर्णा गांव के रहने वाले 5 साल का मासूम की 8 नवम्बर से लापता था। काफी खोजबीन के बाद भी मासूम परिजनों को नहीं मिला, जिसके बाद थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने मामले में खुलासा करते हुए चाचा चाची को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो सूरजपुर की यह पूरी घटना, जहां रिश्तों को शमशार करने वाली घटना सामने आई है। और इसी बीच लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। MP MLA कोर्ट ने यह सजा सुनाई है, उम्र कैद की सजा सुनाई है। दो और अन्य को भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। 2-2 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। चित्रकूट में महिला से गैंगरेप का यह पूरा मामला, जिसमें पूर्व मंत्री पर उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, उनके दो और साथियों को भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। 2-2 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। चित्रकूट में महिला से गैंगरेप का यह पूरा मामला, जिसमें गायत्री प्रजापति को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ओम पांडे ज्यादा जानकारी के साथ फोनलाइन पर जुड़ रहे हैं। ओम, उम्र कैद की सजा, 2 लाख का जुर्माना। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से लगातार ये कहा जा रहा था कि 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत ये धाराएं हैं, और ऐसे में जहां कोर्ट ने इस पूरे मामले पर जिस तरह से आरोप सिद्ध हुए थे और ऐसे में जो सजा है उसको लेकर के जहां अपने पास उन्होंने प्रतीक्षा में रख लिया था, तो माना जा रहा था कि आखिर, क्योंकि जिस तरह से पॉक्सो एक्ट की बात कही जाए तो उसमें उम्र कैद की सजा है और 376 में जो 20 वर्ष की सजा है, तो कहीं ना कहीं इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर इन दोनों में से कौन सी ऐसी सजा है जो कहीं ना कहीं नजीर के तौर पर देखी जा सकती है और बड़ी कार्रवाई हो सकती है। इसी कड़ी में आपको बता दें, आज MP MLA कोर्ट लखनऊ ने
फैसला सुना दिया है। और सबसे बड़ी बात है कि एमपी एमएलए कोर्ट ने जो चित्रकूट की महिला है गैंगरेप के मामले पर सजा सुनाई है, जिसमें से मामले में दोषी आशीष शुक्ला, अशोक तिवारी और उसके साथ साथ गायत्री प्रजापति को उम्र कैद की सजा सुना दी है। और इसके साथ साथ तीनों दोषियों को 2-2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। तो कहीं ना कहीं कोर्ट की एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला है। और सबसे बड़ी बात है, सभी की निगाहें इस पर थी कि आखिर जिस तरह से लगातार पीड़िता न्याय की गुहार लगा रही थी, 7 साल इस पूरे प्रकरण के हो गए और लगातार हेयरिंग हो रही थी, और ऐसे में आखिर वो समय आया, ऐसी आखिर वो समय आ गया जब एक बड़े फैसले के तौर पर जरूर देखा जा रहा था कि आखिर इस पूरे मामले पर किस तरह से फैसला आएगा। क्योंकि जिस तरह से जनता टीवी भी लगातार वहां पर मौजूद था, लगातार जो आरोपी थे वो लोग मौजूद थे पहले से, और लगातार इस बात की कयास लगाए जा रहे थे, क्योंकि जिस तरह से ये कहा जा रहा था इस पूरे मामले को लेकर के कि कहीं ना कहीं पूर्व सरकार में मंत्री हैं और ऐसे में माननीय न्यायालय का क्या एक्शन होगा, क्योंकि पीड़िता ने भी पहले जब FIR की बात हुई या लगातार शिकायतों की बात हो, उन्होंने दर दर जाकर के हर जगह शिकायत की। आखिर में माननीय न्यायालय इस पूरे मामले का संज्ञान लिया, आदेश दिया, और 7 साल की लंबी सुनवाई के बाद एक बड़ी सजा के तौर पर इसको ऐलान को देखा जा रहा है, नजीर के तौर पर इसको देखा जाएगा। ओम, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.